खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको आज के इस क्लास में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक रास्टर इमेज को वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सो मेरे सामने यहाँ पर एक रास्टर इमेज मौजूद है, इसको अभी हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं ऐसे फिल को कैंसिल करके स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक का जो कलर है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज बहुत ही सिंपल है और ये टू कलर लोगो इमेज है। तो जितना भी पहले मेरा ये वाइट वाला एरिया, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इमेज की शेप जो है वो बहुत ही आसान है, इसमें बस जो थोड़े से कर्व है हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में ड्रॉ हो। तो जहाँ से हमारी शेप डिस्टर्ब हो वहाँ हमें स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर लेना है, ताकि हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ जाए। सो हमारी इमेज का जो लेफ़्ट वाला साइड था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी यहाँ से कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आके इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। और जो इसकी राइट वाली साइड है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सो शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमारी जो राइट वाली साइड थी वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब चलते अपने नेक्स्ट शेप की तरफ। सो हमारा जितना भी ये वाइट वाला पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अरेंज में आके मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, और इन दोनों शेप्स को मैं इस शेप में से मैं माइनस कर दूँगा। सो पाथ फाइंडर में आते हैं और माइनस फ्रंट पर क्लिक करते हैं। सो अब इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिलअप कर दूँगा।
सो हम बाकी की शेप्स को भी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेम स्ट्रोक कलर, और यहाँ से इसको फिलअप कर देंगे। सो हमारी इमेज का जितना भी ये फर्स्ट वाला पार्ट था, जितना भी हमारा वाइट एरिया था, वो बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शेप की तरफ। सो उसके लिए मैं यहाँ से अगेन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जितना भी मेरा ये ब्लैक वाला एरिया है मैं इसको ड्रॉ करूँगा, इसको भी हम पेन टूल से ड्रॉ करेंगे। इस शेप में भी जो है वो कर्व थोड़े ज़्यादा है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट शो फॉर्म में ड्रॉ हो। तो हमारी इमेज का जितना भी ये फाइनल वाला पार्ट था, जितना भी हमारा ब्लैक वाला एरिया था, वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से फिलअप कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको फिलअप करा, तो हमारा बाकी का जितना भी फर्स्ट वाला पार्ट था वो हाइड हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी आई को जो है वो मैं क्लोज़ करूँगा, और बाकी का रेड वाला जितना भी मेरा एरिया, इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, और इसको मैं यहाँ से इसकी आई को ओपन कर देता हूँ। तो हमारी इमेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सो अब बारी आती है इसमें कलर फिलअप करने की, तो इन सबको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में आकर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट सेम फिल स्ट्रोक, और आई ड्रॉपर टूल से इसमें मैं कलर फिलअप करूँगा। इसी तरह मैं इसके सेकंड पार्ट में भी कलर फिलअप कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। सो हमारी इमेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, रास्टर से वेक्टर ये इमेज बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।